नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुमार जैन है, आईएएस स्टडी ट्रैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने देखा होगा कि हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देखें और आप प्लेलिस्ट में विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो उसमें पॉइंट दिए हैं, जीके के अलग हैं, मनोविज्ञान के अलग हैं, संस्कृत के अलग हैं, मैथ के अलग हैं, हिंदी के अलग हैं, अलग अलग आप पैराग्राफों में जो है पॉइंटों में फोल्डरों में अलग अलग फोल्डरों में आप अलग अलग प्रकार के वीडियो पाएंगे। तो आपको जिस वीडियो की ज़रूरत है उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और जिन्होंने नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें। अब हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान के सिद्धांत प्रतिपादक व उनके जनक। पिछले वीडियो में हमने देखा कि व्यक्तित्व मापन के सिद्धांतों को हमने बड़े ही अच्छे से ट्रिक के माध्यम से पढ़ा, जो कि आपको 5 सेकंड में ही वो सारी ट्रिक याद हो जाएगी और आप वो कभी नहीं भूल पाएंगे। अब इस वीडियो में हम मनोविज्ञान के सिद्धांत प्रतिपादक और जनक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा और नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं कि जो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं वो हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स साहब जो हैं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। और जो नेक्स्ट है कि प्रकारवाद संप्रदाय के जनक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं विलियम जेम्स साहब ही प्रकारवाद संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा विलियम जेम्स साहब ने ही दी है। जो आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा है वह किसने दी है? विलियम जेम्स साहब ने दी है। और प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है वह थार्नडाइक महोदय ने दिया है। हमने पहले भी एक बुद्धि के जो सिद्धांत हैं उसका वीडियो ट्रिक के माध्यम से बनाया है, वो आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप 5 सेकंड में उस वीडियो को याद हो जाएगा आपको। वीडियो बहुत ही अच्छी ट्रिक हमने उसमें बनाई है, आप पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको फायदा जरूर होगा। तो प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है वह किसने दिया है? थार्नडाइक महोदय ने दिया है। और प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जो दिया है वो भी थार्नडाइक महोदय ने ही दिया है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। नेक्स्ट है संयोजनवाद का सिद्धांत जो दिया है वो भी थार्नडाइक महोदय ने ही दिया है, संयोजनवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट है अधिगम का बंद सिद्धांत किसने दिया है? तो वो दिया है थार्नडाइक महोदय ने ही अधिगम का बंद सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका उत्तर थार्नडाइक महोदय ने ही संबंधवाद का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी थार्नडाइक महोदय ने ही दिया है। नेक्स्ट है एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? तो इसका उत्तर है थार्नडाइक महोदय ही एसआर थ्योरी के जन्मदाता माने जाते हैं। नेक्स्ट है प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत है किसने दिया है? तो वो दिया है थार्नडाइक महोदय ने, प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत थार्नडाइक महोदय ने दिया है। और बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका उत्तर थार्नडाइक महोदय ने जो है बहुखंड या बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने एवं साइमन हैं। जो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो अल्फ्रेड बिने एवं साइमन ही माने जाते हैं। नेक्स्ट बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है अल्फ्रेड बिने साहब को जो है बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता इनको ही माना जाता है। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने महोदय को ही माना जाता है। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो एक खंड जो बुद्धि का सिद्धांत है वो अल्फ्रेड बिने महोदय ने ही एक खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है। और दो खंड बुद्धि का सिद्धांत जो दिया है वो दिया है स्पीयर मैन साहब ने, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो वो दिया है स्पीयर मैन साहब ने तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है। और सामान्य और विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयर मैन माने जाते हैं। सामान्य और विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? स्पीयर मैन साहब माने जाते हैं। और त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका उत्तर गिलफोर्ड साहब ने त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत दिया है। और बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका उत्तर होगा गिलफोर्ड साहब ने बुद्धि संरचना का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका उत्तर थर्स्टन महोदय ने जो है समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है। और युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक हैं
तो इसका उत्तर थर्स्टन महोदय, योग में तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है, तो इसका उत्तर है थर्स्टन महोदय जो है क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। और न्यायदर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो इसका उत्तर है थॉमसन महोदय ने जो है न्यायदर्श प्रतिदर्श वर्ग घटक जैसे कि बोलते हैं बुद्धि का सिद्धांत दिया है थॉमसन साहब ने। नेक्स्ट है पदानुक्रमिक, क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत बर्ट एवं बर्नन ने दिया है। पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व का जैसे कि बोलते हैं क्रमिक महत्व का बुद्धि का सिद्धांत दिया है बर्ट एवं बर्नन ने। और तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो आरबी कैटल महोदय ने जो है तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत किसने दिया है, तो इसका उत्तर हैब महोदय ने जो है बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत दिया है। और बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया है, तो इसका उत्तर है स्टर्न एवं जॉनसन ने बुद्धि इकाई का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है, तो इसका उत्तर है विलियम स्टर्न जो है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक माने जाते हैं। और विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है, तो इसका उत्तर है जीन पियाजे जी जो है विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक माने जाते हैं। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो दिया है जीन पियाजे साहब ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। और मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं विलियम मैकडूगल जो मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं। नेक्स्ट है हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया था, जो हार्मिक का सिद्धांत है वह किसने दिया था, विलियम मैकडूगल ने दिया था। और नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो वो दिया है स्किनर महोदय ने जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया, बी एफ स्किनर महोदय ने। नेक्स्ट है अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया है, तो इसका उत्तर है कोहलर महोदय ने जो अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत दिया है। और सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है, तो इसका उत्तर है कोहलर बर्दीमर और कोपका महोदय ने जो है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, तो इसका उत्तर है जी स्टैनले हॉल साहब ने पुनरावृत्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं फ्रॉवेल, जो फ्रॉवेल साहब हैं वो उन्होंने किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं जो मनोविज्ञान से संबंधित हैं हमने देखे, ये वो फैक्ट हैं जिनमें से कुछ न कुछ एक दो जो फैक्ट हैं वो हर परीक्षाओं में जो जिसमें मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो पूछे ही जाते हैं। इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके लिए आप लाइक करें और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना व्हाट्सअप नंबर लिख सकते हैं। फेसबुक ग्रुप से जुड़ने के लिए आप सर्च करें स्टडी ट्रैक आप सर्च कर सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करें ताकि अन्य मित्रों को भी इसका लाभ हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।